Assalamualaikum friends, hello everyone, namaste, namaste, कैसे आप लोग? मैं सहर, मैं हूं उमर। आप देख रहे हैं जिसको रिएक्शन चैनल 2.0। बहुत ही ज्यादा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। एक दफा फिर से आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। इतना ज्यादा प्यार देने के लिए, इस फैमिली को बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी, प्लीज इसको बढ़ाते जाइए। तो आज की जो वीडियो लेकर आए हैं, वीडियो का नाम है भाई एक हिंदू लड़के से एक मुस्लिम लड़की ने शादी कर लिया, तो उनकी फैमिली का इंटरव्यू होने वाला है। बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, प्लीज वीडियो का एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखते हैं। डर के लिए तो एप्लीकेशन डर ले आई कि आज अपन लड़की लिया जाए। वकील बयान कहने कि जो है हम इसको दाद खा नहीं है, जो मानना में चाहे काट दें फिर फेंक दें, हम इसको नहीं ले जाएंगे। अब का करी, अब वहाँ के लड़की बैठ गई, अब हम लोग सोचना दहली ले जाए पानी लड़की। इस वक्त मौजूद हैं हम आजमगढ़ जनपद के अतरौलिया क्षेत्र में। अतरौलिया क्षेत्र का ये खानपुर फतेह नाम से ये एरिया है, ये मोहल्ला है। यहाँ पे बीते दो दिन पहले यानी 14 तारीख को एक मुस्लिम युवती ने एक हिंदू लड़के से हिंदू धर्म कबूल कर उस हिंदू लड़के से शादी कर लिया। उन्हीं के परिवार के पास हम मौजूद हैं आज, लेकिन वो लड़के और लड़की इस समय घर पे मौजूद नहीं है, तो उनके परिवार से हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं अगर एक चीज़ हम बात करें तो भाई, अगर मोहब्बत रूह से हो तो पूरी कायनात मिलाने पर लग जाती है, अल्लाह और भगवान दोनों मिलाने पर लग जाते हैं। और ऐसा ही हुआ एक वाक्या अतरौलिया क्षेत्र के, आजमगढ़ जनपद के अतरौलिया क्षेत्र के खानपुर फतेह गांव में। यहाँ पे उनके परिवार हैं लेकिन वो लोग मौजूद हैं, उनके परिवार से हम कुछ बातचीत करेंगे। तो जी चाचा जी, पहले तो आप नाम बताएं अपना। जोखू। अच्छा, आपके लड़के थे वो? हाँ। इसके पहले आपको कुछ पता था उनके बारे में कि ऐसा कुछ हो रहा है? कुछ नहीं पता था। कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं। कब पता चला इसके बारे में आपको? हमें पता चला 3-4 दिन के बाद। नहीं, जैसे उसके पहले, अभी तो परसों के डेट में शादी हुई है 14 को, उसके पहले आपको कब, उसके 3-4 दिन पहले पता हुआ? क्या पता चला आपको? एक लड़की वो अपने घर से चली आई हमारे घर। लड़की अपने घर से आपके घर चली आई? हमारे घर चली आई। हम उस समय कानपुर रहनी है। अच्छा अच्छा। कानपुर से सूरचंद में तो भिन भाग के घरे ही नहीं। तो लड़की मुस्लिम बताई जा रही है, सच्ची सच्ची बात है ये? हाँ। क्या नाम है लड़की का? लड़की का नाम हम नहीं जानते हैं। चाची आपको पता है लड़की का नाम? कोई खातून करके है नाम ना उनका? खातून करके नाम है उनका। लड़के का क्या नाम आपके? सूरज। सूरज। तो जब लड़की आपके घर चली आई तो फिर आप लोगों ने सूचना दिया नहीं लड़की के घर वालों को? दिए थे। तो फिर क्या बोले वो लड़की के घर वाले? लड़की के बाप ने आया, लड़की की महतारी ना है। अच्छा, लड़की की माता जी नहीं है, उनके पिताजी है। लड़की का बाप आया था थाने। अच्छा, थाने पे आया। उसको कैसे पता चला कि वो लड़की आपके घर है? अभी हमको नहीं मालूम। कहाँ से? यहाँ से। जब लड़की आ गई तो एप्लीकेशन हम डाल दिए थाने पे। अच्छा अच्छा, कि भाई उनकी लड़की हमारे घर पे आ गई है। आ गई है। तो पुलिस वाले गए थे तो उनके बाप आए थे थाने पे, कहा भाई हमसे लड़की से नहीं मतलब, जहाँ है तहाँ रहे। अच्छा, मतलब उनको कोई आपत्ति नहीं है, लड़की के जो पिताजी हैं माताजी तो हैं नहीं, उनको कोई आपत्ति नहीं है कि हमारी लड़की जहाँ पे भी है वहाँ पे रहे। और कोई दिक्कत आपको कहीं से हुई, कोई दिक्कत परेशानी? कुछ नहीं। मंदिर में आपने शादी करवा दिया? हाँ, समाई। सुनने में ये आ रहा था कि भाई लड़की के घर वाले कह रहे हैं कि वो लड़का जो है वो मुस्लिम धर्म कबूल कर ले फिर वो शादी कर ले, ऐसी कोई बात थी? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, हमें न्यूज के जरिए ऐसा कुछ पता चला था कि शायद लड़की के घर वाले ये कह रहे थे कि लड़का जो है वो मुस्लिम धर्म कबूल कर ले फिर हम शादी कर लेंगे, लेकिन फिर लड़की कैसे मान गई? ये भी आ रहा है कि भाई लड़की तब फिर जाके जब लड़की के घर वाले नहीं माने तो लड़की कहने लगी भाई हम हिंदू धर्म कबूल कर लेंगे, हम हिंदू धर्म में जा करके फिर शादी करेंगे उसी लड़के से। तो लड़की हिंदू धर्म कबूल है कही ले? अब लड़की हिंदू हो चुकी है। मुस्लिम युवती थी वो, मुस्लिम परिवार से थी, मुस्लिम धर्म से थी, लेकिन वो अभी समय हिंदू हो चुकी है क्योंकि वो लड़की एक हिंदू लड़के से शादी कर चुकी है अतरौलिया क्षेत्र के खानपुर फतेह गांव में। उनकी माताजी भी हैं, उनकी माताजी से भी हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि पिताजी तो रहते थे नहीं, वो कानपुर रहते थे, माताजी घर पर रहती थी, उनकी माताजी से भी कुछ हम जानने का प्रयास करेंगे। चाचा जी थोड़ा सा आप इधर हो जाएं, आप तो माताजी घर पर ही रहते थे। लड़का क्या करता था आपका? लड़का अभी पढ़त रहा। पढ़ा रहा। कौन सी क्लास में? 12 में। अभी पढ़ना छोटा। उम्र उनकी हो गई थी शादी की? हाँ, 21 साल, आधार कार्ड में है। अच्छा, 21 साल उम्र हो गई है लड़की की? लड़की 20। लड़की 20 की, ठीक है भाई। कानूनन तौर पे अगर देखा जाए तो 21 साल लड़के की उम्र हो चुकी थी और लड़की की उम्र 20 साल हो चुकी थी, जो कानूनन तौर पर देखा जाए तो ये शादी की उम्र हो चुकी थी, इसलिए कानून के तरफ से ऐसा कोई परेशानी तो नहीं हुआ होगा। प्रशासन के लोग कुछ नहीं कहे होंगे आपको? नहीं। प्रशासन के लोग सहयोग किए इसमें, इस चीज़ में? हाँ।
हाँ, सब लोग सहयोग किए थे। अच्छा, आप बताइए, आपको कुछ पता था इसके बारे में? आप तो भाई लगातार आपके पास लड़का रहता था, पिताजी आपके उनके थे नहीं, आपके पास ही वो रहता था, कभी ऐसी कुछ खबर मिली थी? नहीं साहब, कुछ नहीं खबर मिला। हाल वही जब हमारी लड़की अपने घर से हमारे घर चली आई तो हमको खबर मिला कि ये बात है। उस समय आप लोगों को डर नहीं लगा कि एक मुस्लिम घर की लड़की आपके घर आ गई है तो कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो? किसी दूसरे घर की लड़की अगर अपने घर आ जाए इसी तरह से तो थोड़ा सा डर लगता है ना? हाँ, तो वही 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 डर के लिए तो एप्लीकेशन डाल लिया है कि आया अपन लड़की लिया जाए। वकील बयान कहने कि जो है हम इसको दाद खा नहीं है, जो मानना चाहे काटते फेंक दें, हम इसको नहीं ले जाएंगे। अच्छा, लड़के के पिताजी बोले कि भाई अब लड़की जहाँ चली गई है वहीं रहे, हम जिम्मेदार नहीं है उसके? हाँ, लड़के के पिताजी इस चीज को मान लिए हैं? हाँ, लड़के के पिताजी बयान दिए हैं थाने पे। और कोई परेशानी नहीं है ना लड़के के और कोई परिवार से, लड़की के परिवार से? नहीं, और कोई परेशानी नहीं उनके परिवार से, और कोई परेशानी नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, अभी आप लोग खुश हैं ना, इसे कोई दिक्कत नहीं है कि मुस्लिम घर की लड़की थी वो? हाँ नहीं, जब हमारे घर चली आई लड़की नहीं जाने के लिए तैयार है तो हम खुश हैं, जो में हमारे लड़के खुशी है वही हम ही खुशी है। बिल्कुल सही बात है भाई, वो उनकी देखिए मोहब्बत थी, उनका प्यार था, आज एक प्यार एक हो गया। लड़की मुस्लिम धर्म की थी, लड़का हिंदू धर्म का, लेकिन शायद लड़की के घर वालों को कोई आपत्ति नहीं, उनके पिताजी खुद बोले कि भाई अब लड़की जहाँ पे गई है वहीं पे रहे, हमको कोई इससे आपत्ति नहीं है, ऐसा लड़के के परिवार वाले कह रहे हैं, उनकी माताजी कह रहे हैं, उनके पिताजी कह रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं। और प्रशासन वालों का सहयोग रहा ना, जैसे पुलिस वालों ने आपका सहयोग किया? हाँ, सहयोग रहा जो है, आप अब इन काल तक जो है ड्यूटी रहना है, यही पहरा देते रहना है। अच्छा, प्रशासन के लोग घर पे आते रहते हैं आपके? हाँ, जब आज आज आए थे आज? आज नया लाना, कल साँझ को दिन में दो बार, फिर रात में यहाँ रहने हैं, और बाद जो है आज नया लाना। और कहीं कहीं से आप लोगों को दबाव या कहीं से कोई डर, कोई मतलब ऐसा कह रहा है कुछ? नहीं साहब, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत ना है, ठीक है, चलिए। हम मार्केट अच्छा, में आते हैं जाते हैं, सब्जी को सब कुछ खरीद के लाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लड़का लड़की तो है नहीं मौजूद इस समय घर पे भी, खाई वजह यह है कि हो सकता है इनको डर था कि कहीं कोई माहौल ना खराब हो जाए, क्योंकि बात हिंदू मुस्लिम की थी, लेकिन हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे प्यार मोहब्बत की बात थी। तो अगर वो दोनों राजी थे, लड़के और लड़की, खास करके जब लड़की के पिता राजी हैं इस चीज़ पे, उनको आपत्ति नहीं है कि हमारी लड़की जहाँ पे भी है हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो इससे और बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। और इसमें और कोई बाहर से कोई दिक्कत करे तो ये गलत बात होती है, क्यों चाचा? कुछ नहीं। अच्छा, वो आप दादी हैं उनकी क्या? अच्छा, ये दादी भी हैं, चलिए भाई इनसे भी हम कुछ बातचीत कर लेते हैं। तो दादी बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा कहीं से? नहीं, नहीं भाई, ना क्या। अच्छा, आप खुश हैं, आपका पोता जो लाया है दुल्हन? अरे अब का करी, करिए लड़की बैठ गई, और हम लोग सोचना दहली ले जाए पानी लड़की, और एक हमें रजाक हमें उनके किहन जुड़ते खबर गई, वो फोन कहने बापे किहन कहने हमसे ना मतलब है, सब जानत है, और शादी भईल वहाँ। हाँ, मंदिर में शादी हुई, वहाँ पे पुलिस के लोग थे मौजूद थे जब मंदिर में शादी हो रही थी? हाँ, वहाँ प्रशासन के लोग और लोग रहे होंगे, यहाँ के जिम्मेदार लोग रहे होंगे, तमाम लोग सब रहा, कौनो दिक्कत नहीं। अच्छा, मीडिया वाले भी थे यहाँ पे भाई? मीडिया से भी लोग थे, पत्रकार लोग यहाँ पे मौजूद थे? हाँ, तो कोई समस्या नहीं हुई? कुछ अभी कोई दिक्कत नहीं है दादी ने? नहीं, कुछ ना। चलिए ठीक है, तो देखिए भाई परिवार के लोग इनके खुश हैं, क्योंकि जब इनको कोई समस्या नहीं, और हम चाहते भी नहीं कि कोई समस्या हो इस परिवार को, क्योंकि भाई जब लड़के लड़की राजी हैं और शादी भी अब पूरे तरीके से कानूनी तौर पर मंदिर में हो चुकी है, और वहाँ पे मीडिया भाई के तमाम सारे लोग मौजूद थे जिनके सामने ये सारी चीज़ें हुई हैं, शादी उनकी हुई है, और बाकी यही घर है आप देख लीजिए, लड़के का भी, लड़के के पिताजी हैं जो। अच्छा माता जी, थोड़ा सा आप इधर बैठे, कितने भाई हैं लड़के आपके? बेटे कितने हैं? दो भाई। दो बेटे हैं। अच्छा, बेटी? बेटी दो, लड़की है। शादी हो चुकी है उन लोगों की? हाँ, ये जो लड़की बैठी थी उसकी शादी हो चुकी है। अच्छा, किस जात से हैं आप लोग, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए? चमार। हाँ, देखिए भाई इन्होंने बताया ये हरिजन हैं, अब इन्होंने अपने मुँह से बता ही दिया, आप लोग जान लीजिए कि ये इस जात के हैं और लड़की मुस्लिम थी, सारी चीज़ें आपको वीडियो के जरिए पता चल गया कि आखिर ये कैसी घटना थी, कब की थी और कैसे हुई सारी चीज़ें, लेकिन पहले से इनको इस चीज़ के बारे में खबर नहीं थी, जब लड़की इनके घर पे आई तब सारी चीज़ों के बारे में इन्हें पता चला, तो फिर इनको डर हुआ, फिर ये प्रशासन का सहारा लिए, थाने में गए, वहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन दिया इस चीज़ के बारे में,
और इस विषय में प्रशासन ने ये थी आज की वीडियो। तो देखा ही आपने इस वीडियो में कि एक मुस्लिम लड़की जिसने मतलब आपको पता ही है कि वो स्टूडेंट दोनों स्टूडेंट थे स्कूल में पढ़ते होंगे स्कूल नहीं कॉलेज में पढ़ते होंगे तो वहाँ पे इन दोनों का प्यार हुआ और आपको पता ही है कि बहुत लड़कियां लड़के ऐसे होते हैं जो गा के लड़की को लड़की चली जाती है दोनों की मर्जी शामिल होती है इसमें कुछ आप कह नहीं सकते क्योंकि वो दोनों अपनी रजामंदी के साथ जाते हैं प्यार मोहब्बत के लिए फिर उन दोनों ने शादी कर ली और जो मुस्लिम लड़की थी उसने अपना मजहब चेंज करके तो वो हिंदू होगी और उनको मतलब कोई मसला ना क्रिएट हो जाए इस वजह से उनको किसी और विलेज में या फिर किसी शहर में क्योंकि आपको पता है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जब इस तरह से ये बहुत ही नाजुक मामला होते हैं और इन पर आपको पता है ये लड़ाइयां और बहुत दूर तक फिर जाती हैं पुलिस थानों तक बातें जाती हैं हमें प्रॉब्लम नहीं हुई वो उनके जो पिताजी हैं लड़की के तो उन्होंने बोला कि मुझे कोई इशू नहीं है मेरी तरफ से वो चली गई है तो अब मेरा कोई मतलब वो अपने घर में रहे खुश रहे और जैसे भी रहे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और पुलिस तक आपको पता है कि ऐसे जो वाकयात होते हैं फिर पुलिस में हर जगह रिपोर्ट होते हैं वो लड़की आ गई तो फिर हमने पुलिस में जाकर बताया कि इस तरह से क्योंकि अगर आप ना दें तो फिर उनको लगता है हमारी बेटी को अगवा कर दिया ऐसे बहुत से ना वाकयात होते हैं मामला होते हैं और इसमें बहुत ही ना गंभीर सिचुएशन आपको पता बन जाती है तो वो इन्होंने अपने बेटी और बेटे को शहर में भेज दिया है 21 साल बेटे की उम्र थी और 20 साल लड़की की उम्र थी हाँ ये मुझे लगता है शायद इनकी ना उधर जो इन्होंने जात बताई है इनकी बेटी भी वो अभी दिखाई थी वो पीछे बैठी थी छोटी सी बिल्कुल लग रही थी लेकिन इन्होंने कहा उसकी भी शादी हुई हुई है तो काफी ज्यादा ही कुछ छोटी उम्र में ना शादी कर ही देते हैं लेकिन चले उनका मानना है हम मतलब वो करें हाँ हर एक बिल्कुल अच्छा लगा ये वीडियो देख भाई जो प्यार करते हैं उनकी शादी हो गई उनकी फैमिली उनकी रजामंदी है इसमें तो फिर किसी समाज को मुझे लगता है कि नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए इस चीज से कि समाज और लोग कमेंट करेंगे यार ये क्या वो क्या इस तरह से किसी और को हक नहीं बनता उन दोनों का फैसला था जैसे मेरी जिंदगी है तो मेरा फैसला हो इसी तरह जैसे उनकी लाइफ है उनका फैसला था अभी वो खुश है एक दूसरे के साथ तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात लगी देख के उम्मीद करता है वीडियो को पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलता है।